नमस्कार। लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो दर्द तो आपको सहना होगा। अगर आप आराम पसंद करते हो लाइफ में, दर्द सहन करना नहीं है आपको, तो आगे बढ़ने की मत सोचना। दर्द तो आपको जगह जगह पर मिलेगा, मुश्किलें तो आपको मिलेगी, आपके शरीर को आपको कष्ट देना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। वरना आप आराम पसंद हो, आप आराम की जिंदगी चाहते हो, आप आलस की जिंदगी चाहते हो, तो आप आगे बढ़ने का सपना छोड़ देना। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा, वो कहानी आपको झकझोर देगी और आपको रुला देगी कि जीवन में जब अचानक मुश्किल आए, जब सडन कठिनाई आए, तो क्या करें और उस मुश्किल में कैसे हिम्मत रखें और कैसे धैर्य रखें और कैसे अपना लक्ष्य अचीव करें। यह कहानी आपको आज रुला देगी। अरुणिमा सिन्हा यूपी की रहने वाली नेशनल प्लेयर थी, बहुत ही अच्छा वॉलीबॉल खेलती थी। एक बार यूपी से वो दिल्ली जा रही थी मैच के लिए, वॉलीबॉल मैच के लिए। रास्ते में ट्रेन में कुछ लोग उससे छीना झिपटी करते और मारपीट करते। जब दोनों के बीच में मारपीट होती है, तो जो लुटेरे होते हैं वो अरुणिमा सिन्हा को चलती ट्रेन से फेंक देते। जब चलती ट्रेन से फेंकते हैं, तो दूसरी ट्रैक पर वो गिर जाती है और सामने से ट्रेन आती है, तो उसका एक पैर कट जाता है। पूरी रात भर अरुणिमा सिन्हा ट्रैक पर पड़ी रहती है, खून बहता रहता है, उसका शरीर चूहे कुतरते रहते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। सुबह मेडिकल टीम पहुंचती है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है और डॉक्टर कहते हैं कि आपका एक पैर काटना पड़ेगा, वरना नहीं तो आपका पूरा शरीर खराब हो जाएगा। इनके क्या सपने थे, वॉलीबॉल मैच खेलती थी, और एक झटके में सारे सपने चकनाचूर हो जाते। एक पैर काटना पड़ता। अरुणिमा सिन्हा अपने आप को झकझोर करती है, अपने आप को मुसीबतों से बरी पड़ी हुई पाती है। लेकिन क्या करें, जिंदगी जीना तो जीना है, लेकिन फिर भी यह हिम्मत नहीं हारती है, फिर भी अपने हौसले नहीं हारती है। इनको पता है कि मेरा एक पैर काम नहीं करता, मेरा एक पैर कट चुका है, लेकिन फिर भी मुझे हारना नहीं। ये कोशिश करती है कुछ नया करने के लिए। उनको पता होता है कि अब मैं वॉलीबॉल नहीं खेल सकती, वो सपना मेरे लिए खत्म हो चुका है। लेकिन एक सपना खत्म होता है तो नया सपना आता है, ध्यान रखना। अरुणिमा सिन्हा 2013 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने लगती है और 21 मई 2013 में पहली बार भारत की पहली महिला, दिव्यांग महिला बनती है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली होती। विश्व की पहली महिला दिव्यांग जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करती है, इतिहास रच दिया। नरेंद्र मोदी ने भी उनकी तारीफ की, प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने भी उनकी तारीफ की। अरुणिमा सिन्हा चाहती थी तो एक पीड़ित जीवन जी सकती थी, लोगों की दया पर जी सकती थी वो चाहती तो, लेकिन नहीं, उन्होंने हौसले की जिंदगी चुनी, उन्होंने साहस की जिंदगी चुनी और उन्होंने हिम्मत की जिंदगी चुनी। तो जीवन में कुछ करना है तो आपको दर्द तो सहना होगा। देखना, एक पैर नहीं था, सिर्फ एक पैर के बल पे अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करती है। कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा होगा, कितनी कठिनाइयां आई होगी। कहते हैं कि एक बार बर्फीले तूफान में उनका नकली पैर निकल के गिर जाता है, बड़ी मुश्किल से वापस वो उस नकली पैर को लगाती और वापस माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने लग जाती। तो जीवन में मुश्किलें तो आएगी, दर्द तो आपको सहना होगा, कुछ करना होगा तो, वरना तो आलस और वरना तो आराम की जिंदगी आप भी जी सकते हो, जी सकते हो, लेकिन जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ोगे, जहां है वहां रह जाओगे। इसलिए आराम छोड़ देना, आलस छोड़ देना, जीवन में आगे बढ़ना है तो दर्द तो सहना होगा, शरीर को कठिनाइयां तो झेलनी होगी, तभी आप आगे बढ़ पाओगे।